हरे कृष्णा। आज का हमारा वीडियो है माल्टा वर्क वीजा को लेकर, माल्टा में जॉब को लेकर। आज हम इसके अंदर चार अलग अलग प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे। माल्टा वर्क वीजा को लेकर चार अलग अलग तरीके से आप कैसे माल्टा में जॉब ले सकते हैं, और उन तरीकों के बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। पहला एक तरीका है कि आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री में रहकर आप जो कर रहे हैं उसको करते रहें, अपना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी बनवाएं या बनाएं, और अपनी ही कंट्री बैठकर माल्टा में ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते रहें। उसमें फेसबुक के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं माल्टा जॉब को लेकर, वहाँ से भी कर सकते हैं, या माल्टा के अंदर जो जॉब पोर्टल्स हैं उसमें जाकर भी कर सकते हैं, या माल्टा में जो कंपनीज हैं उन कंपनीज को सर्च करके डायरेक्टली उनके एचआर को अपना सीवी भेज सकते हैं। सो ये एक प्रोसेस वन है कि आप ऑनलाइन अपनी कंट्री बैठकर माल्टा में अपना सीवी भेजें, और वहां से फिर एम्प्लॉयर या कोई एजेंसी आपको कॉन्टैक्ट करेगी और फिर आपका प्रोसेस शुरू होगा। इसके परसेंटेज होने के, जॉब होने के बहुत कम होते हैं, 1-2% लोगों की ही ऐसे जॉब लगती है। पर यस, जॉब लगती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं लगती, पर बहुत कम परसेंटेज हैं। उसमें आपका खर्चा ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल प्रोसेस का खर्चा होना है आपके डॉक्यूमेंटेशन का, अटेस्टेशन को लेकर, और या फिर एम्बेसी का 66 यूरो जो खर्चा है, सिर्फ वही होना है आपका, और कोई खर्चा नहीं होगा आपका। सेकेंड प्रोसेस है आपका एजेंसीज के थ्रू। हर कंट्री के अंदर उनकी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं जो ओवरसीज रिक्रूटमेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी कंट्री में एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है, अब वो आपको लोकल जॉब भी करता है और ओवरसीज जॉब भी करता होगा, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंट होगा तो वो लोकल ऑलमोस्ट कम करते ही होंगे, दे आर मोर फोकस्ड ऑन ओवरसीज, और उनके पास गवर्नमेंट से ओवरसीज रिक्रूटमेंट का एक एजेंसी नंबर, एक लाइसेंस नंबर होगा जो गवर्नमेंट से मिला होगा उन्हें। तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो ज़रूर चेक करें कि उस एजेंट के पास गवर्नमेंट का एजेंसी नंबर, एजेंसी कोड है कि नहीं। बहुत सारे लोग टूर एंड ट्रैवल का कोड लेकर टूर एंड ट्रैवल का कोड दिखाते हैं कि देखो जी हमारे पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है। नहीं, टूर एंड ट्रैवल वाला कोड नहीं चलता, आपके पास ओवरसीज रिक्रूटमेंट का लाइसेंस होना चाहिए कि यहाँ आप अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एजेंट हो, कि आप अपने नेशनल्स को आप ओवरसीज जॉब के लिए भेज सकते हो। तो अगर आपका कोई ऐसा एजेंट है जिसके पास ये लाइसेंस है, और वो अगर आपको बाहर जॉब के लिए भेज रहा है माल्टा, तो ठीक प्रोसेस है, तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी जो चार्जेस होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे एजेंट्स के पास कैंडिडेट्स कम आते हैं, वो सब एजेंट के थ्रू आते हैं, तो वो जो चार्जेस हो जाते हैं वो लगभग, अगर मैं इंडियन करेंसी में बोलूँ तो 8-10 लाख रुपये लोग चार्ज कर लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हाई। तीसरा प्रोसेस जो है माल्टा का, वो है आपका टूरिस्ट वीज़ा। आप अपनी कंट्री में रहकर माल्टा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, 90 डेज़ का। आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर माल्टा जाएंगे, वहाँ पर आप जॉब सर्च करेंगे। अब आप कंट्री में रह रहे हैं, सामने फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हो, खुद जाकर सीवी दे रहे हो, लोकल बैठे हुए हो, तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप खुद वहाँ बैठे हुए हो। पर इसमें सिर्फ एक रिस्क क्या है कि टूरिस्ट से वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है विद इन दी कंट्री। ये कंट्री का, माल्टा का लॉ है कि आप 280 यूरोस वहाँ पर गवर्नमेंट को देंगे तो आपका टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा वो कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब टूरिस्ट से वर्क कन्वर्ट करते हैं, उसका जो प्रोसेस टाइम है वो भी है 90 डेज़। तो अब आप 90 डेज़ के वीज़ा पर गए हैं
और 90 डेज ही उस प्रोसेस को लगते हैं कन्वर्ट होने में। तो पहला रिस्क। दूसरा, इन जर्नल ये प्रोसेस 60 डेज में हो जाता है, लेकिन अगर आपको जॉब मिलने में एक महीने से ज़्यादा लग गया, वट एवर द रीज़न इज, आप गए हो, अभी सेटल हो रहे हो, यू नो सीवी निकाल रहे हो, थोड़ा सर्च कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, पहला राउंड इंटरव्यू हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, अभी फाइनल राउंड होना है, किसी भी कारण से अगर आपका जॉब लगने में एक महीने से ज़्यादा समय लग गया, जॉब का ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर हाथ में आने में, तो आपका जो टूरिस्ट से वर्क कन्वर्ट होना है उसमें भी उतना ही टाइम आगे लगेगा। तो उससे क्या होगा कि आप 90 डेज के बाद इलीगल इमिग्रेंट हो जाओगे माल्टा के अंदर। तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाना और जॉब लेकर लगना इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट वे, बट लिटिल रिस्की है टाइम फ्रेम को देखते हुए। अब जो मैं आपको एडवाइस करने वाला हूँ, जो सबसे बेस्ट तरीका हमको समझ में आता है और जो बिल्कुल लीगल है और सबसे स्ट्रॉन्ग और ईजीएस्ट वे है अपने आप को माल्टा में जॉब लेकर सिक्योर करने का, वो है स्टूडेंट वीज़ा। आप अपनी कंट्री से स्टूडेंट वीज़ा पर आप जाएंगे माल्टा, कोशिश करें कि मिनिमम एक साल का कोर्स के लिए जाएं आप। तो जब आप एक साल के कोर्स के लिए माल्टा पढ़ने के लिए गए हैं, तो पहला सबसे बेनिफिट ये कि अब आपके पास पूरा एक साल है अपने आप को सही जॉब ढूंढने के लिए, उस कंट्री में एडजस्ट होने के लिए, उस कंट्री में कहाँ रहना है उसको समझने के लिए, किन कंपनीज में अप्लाई करना है उसको समझने के लिए, किस सैलरी स्केल पर मैं अपने आप को अप्लाई कर सकता हूँ उसको समझने के लिए। तो आपके पास एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है उस जगह को, कंट्री को, लोकेशन को, एम्प्लॉयर्स को, सैलरी स्केल को, बिहेवियर को, अपने आप को कि मैं किस स्केल के ऊपर अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो एक अच्छा टाइम मिलता है आपको। पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट कि अब आप कंट्री में एक साल के लिए लीगल हैं, तो सेकंड बेनिफिट, तो इलीगल होने का खतरा खत्म हो जाता है। थर्ड, जब आपके पास वहाँ की लोकल एजुकेशन होती है तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको इजीली ले लेता है। फर्दर मो, आपके पास जब वहाँ पर टाइम है तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको इजीली रख लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब ये इलीगल नहीं होगा, मैं इसका स्टूडेंट से वर्क परमिट आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। और वैसे भी स्टूडेंट वीज़ा पर 20 घंटे वैसे ही आपको जॉब करना लीगली अलाउ होता है, तो जिस समय आपका कोर्स ख़त्म हो रहा होता है उस समय तक आप उस कंट्री को, उस इन्वायरमेंट को, उस जॉब कल्चर को इतना समझ चुके होते हो, इतने सारे आपने जॉब करी होती हैं जो 20 घंटा आपको लीगली अलाउ होता है, तो उससे क्या है कि जब आपका कोर्स ख़त्म हो रहा होता है तो वर्क परमिट कन्वर्ट होना सबसे आसान है, सबसे आसान, सबसे लीगल। तो हमारी एडवाइस ये होगी कि आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर माल्टा जाएं, वहाँ पढ़ाई करें, पैरेलली 20 घंटा जो लीगल अलाउ है वो जॉब करें, और अपना कोर्स ख़त्म होने से पहले अपना स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में आराम से कन्वर्ट करवा लें। ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। आपको माल्टा वर्क वीज़ा को लेकर या स्टूडेंट वीज़ा को लेकर या माल्टा से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप किसी भी समय हमारे ऑफिसेस में अप्रोच कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस दुबई में हैं, सिरसा में हैं, कुरुक्षेत्रा में हैं और नोएडा में हैं। नोएडा इज़ दी हेड ऑफिस। मैं अमन शुक्ला, आई एम दी CEO ऑफ दी कंपनी। हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम माल्टा के बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू। हरे कृष्णा।